हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम सुबह सुबह बहुत ही अच्छा अपडेट हम लेकर आए हैं। हरियाणा के अंदर आपको पता है कि सीईटी का पेपर अब होने वाला है ग्रुप सी को लेकर, और ग्रुप डी की हरियाणा सरकार ने तैयारी कर दी है, जिसको लेकर सीएम साहब ने सुबह सुबह एक बहुत ही अच्छी बड़ी खबरी आप सभी को दी है कि हरियाणा में अब ग्रुप सी और ग्रुप सीईटी का जो पेपर है सी और डी के अंदर किस प्रकार से लिया जाएगा, कब लिया जाएगा, क्या क्या सिस्टम किया जाएगा, पूरे हम इस वीडियो में डिटेल से जानकारी देंगे। सीईटी देने वाले सभी बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है, बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि आपको पहले ही सारी चीजें पता चल जाएंगी, तो बाद में आपको कोई कठिनाई नहीं होने पाएगी और आराम से आप अपना पेपर देने के इच्छुक जो भी उम्मीदवार है आराम से देकर आ सकते हैं। तो जो भी सीईटी पेपर देने जाएगा उसको किस प्रकार से क्या क्या सिस्टम करना पड़ेगा पूरा हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। अगर आप हरियाणा में हर अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट पाना चाह रहे हैं, कोई भी डीसी रेट जॉब आए, कोई भी कौशल निगम के तहत भर्ती आए, किसी प्रकार की कोई भी अपडेट आए, चाहे सीईटी का आए चाहे ग्रुप डी का आए, सबसे पहले अगर आप अपडेट पाना चाह रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको इसी टैब से देखने को मिलते रहेंगे। साथ में अगर कोई भी भाई और बहन हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर रखा है, जाके वहां पर ज्वाइन भी कर सकता है, क्योंकि हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आपको 24 आवर जो भी छोटे बड़े अपडेट आएंगे करंटली वहां पर सारे देखने को मिलते रहेंगे। और आपको कुछ भी अपडेट से रिलेटेड कुछ भी आपको पूछना हो, कोई भी डाउट्स बचता हो, तो मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आप सभी के लिए बना रखा है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई और बहन ज्वाइन कीजिए, और किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कभी भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। हमारी जो टीम है 24 घंटे के अंदर अंदर आपको रिप्लाई करेगी, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उसके डायरेक्टली आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। तो बिल्कुल भी आपको घबराना नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अपडेट से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो बिल्कुल आराम से मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ रख सकते हैं। और अभी तक जिसने भी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं किया तो वहां पर कर लेना, साथ में यूट्यूब को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आइए मैं आपको हरियाणा सीईटी ग्रुप डी और ग्रुप सी का क्या सिस्टम चला हुआ है, क्या बड़ी खबर आई है, आपको पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा इसमें क्या लिखा गया है कि तृतीय जो श्रेणी पदों पर भर्ती के लिए जून जुलाई में होंगी परीक्षाएं। पहले तो मेरे भाई और बहन आपका मई बोला गया था, फिर जून बोला गया था। पहले अभी सभी बच्चे सोच रहे थे कि जून महीने में आपकी जो परीक्षा वो करवा ली जाएगी, परंतु अब इसके साथ में जुलाई भी जुड़ गया है। ये आपकी बड़ी खबर रहने वाली है, जिसके अंदर क्या लिखा गया है कि हरियाणा में तृतीय जो श्रेणी के 32,000 पदों पर भर्तियों को लेकर परीक्षाओं का दौर अगले महीने शुरू होगा। हरियाणा कर्मचारी आयोग ने परीक्षा का शेड्यूल तैयार कर लिया है। 20 जून से 31 जुलाई तक स्क्रीनिंग टेस्ट लिए जाएंगे। आप सभी को बता दिया जाता है कि कम से कम डेढ़ महीने में 5 दिन कम होंगे। 20 जून से 31 जुलाई तक आपका जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो लिए जाएंगे। परीक्षा को फुल फॉर्म बनाने के लिए 4 बार कोड वाले प्रश्न पत्र तैयार किए जा रहे हैं, इनमें से उम्मीदवार की हिडन डिटेल होगी। इस तकनीकी से पेपर लीक की संभावना नहीं है, बराबर रहेगी। सामान्य जो पात्रता परीक्षा सीटी पास करने वाले 3,26,000 युवा ने स्क्रीन टेस्ट में शामिल होंगे। करीब डेढ़ महीने तक तृतीय श्रेणी की परीक्षा है वो चलेंगे। आयोग ने योजना सितंबर में चतुर्थ श्रेणी के 12,000 पदों के लिए सामान्यता परीक्षा लेने की कही है, क्योंकि आपको पता है कि जो ग्रुप डी की भर्ती है वो 12,000 पदों पर करवाने की पूरी संभावना है, हरियाणा सरकार बोल रही है, और उसका पेपर है वो सितंबर में करवाने का कहा जा रहा है। इससे पहले ग्रुप सी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इनका यह भी कहना है कि जब हम सितंबर में ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी करेंगे उस टाइम आपका जो रिजल्ट है उससे पहले डिक्लेयर हो जाएगा, जारी कर दिया जाएगी, ताकि जो युवा असफल रह जाते हैं वे ग्रुप डी के लिए आवेदन कर सके। हरियाणा कर्मचारी जो चयन आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया है सीईटी में ग्रुप सी के लिए 12वीं पास होना चाहिए, ग्रुप डी के लिए 10वीं पास न्यूनतम योग्यता आपकी मांगी गई है। अगर कोई छात्र इसके बाद अगली पढ़ाई भी करता है तो उसे पोर्टल पर डाटा अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जब वह नौकरी के लिए फॉर्म भरेगा तो अपनी अधिकतम योग्यता वहां पर भर सकता है। इसमें यह बोला गया है अगर आप सीईटी में अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, ग्रुप सी के लिए करते हैं तो 12वीं तो पास होना चाहिए, ग्रुप डी के लिए करते हैं तो 10वीं पास होना चाहिए। इसमें साफ साफ यह बोला गया है कि आप कुछ भी कर रखे परंतु 10वीं 12वीं पास आपने अनिवार्य है, आपको की हुई है तो ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो इस सीईटी के पेपर में आप नहीं बैठ सकते। तो जो भी 10वीं 12वीं पास वाले जितने भी भाई और बहन इस वीडियो को देख पा रहे हैं सभी अपना रजिस्ट्रेशन कर लो ग्रुप डी के
अंदर आपका मौका आ चुका है। ग्रुप सी के अंदर जो पास विद्यार्थी हैं 3.5 लाख के आसपास जो स्टूडेंट है पास है, उनको अभी जून जुलाई में मौका दिया जाएगा। 20 जून से फोरम स्टार्ट हो जाएगा, 31 जुलाई तक पेपर चलेंगे, जिसके अंदर आप बिल्कुल आराम से अपना पेपर दे सकते हैं। ग्रुप डी का पेपर है वो सितंबर महीने में करवाने का इनका तैयारी कर दी गई है, जिसमें 20 जून से 31 जुलाई तक स्क्रीनिंग टेस्ट का शेड्यूल है वो तैयार कर लिया गया है। नकल रोकने के लिए जो कोड वाले प्रश्न पत्र है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी रहने वाली है ग्रुप सी और ग्रुप डी वालों के लिए कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपका जो पेपर है किस प्रकार से आने वाला है, जिसमें अंदर कोड बनाए गए हैं। दूसरी चीज, आपकी परीक्षा वो कब से कब तक चलेगी, 20 जून से लेकर 31 जुलाई तक आपकी परीक्षा होने वाली है। आपको यह भी अंदाजा लग जाएगा कि जो प्रीवियस पेपर होंगे, अगर किसी भाई और बहन का जून में नंबर नहीं आता है, जुलाई में आता है, तो वो इस प्रश्न पत्र से यह भी अंदाजा लगा सकता है कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्ट कौन कौन से आ रहे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें तो ये रहने वाली है, कम से कम 1.5 महीना आपकी परीक्षा चलेगी। अगर किसी भाई और बहन का जुलाई के एंड तक नंबर आता है तो आराम से अपना सिलेक्शन निकाल सकता है, क्योंकि अगर वो रेगुलर तैयारी कर रहा है तो अपनी तैयारी को बढ़ा देगा और आराम से जो प्रश्न पत्र जिस प्रकार से पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार से अपनी तैयारी में जुट जाएगा और वो सफलता को आराम से हासिल कर लेगा। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और ग्रुप डी की परीक्षा के लिए जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहा है बिल्कुल आराम से कर सकता है, सितंबर के महीने में उसकी परीक्षा करवा ली जाएगी। उससे पहले पहले आपकी जो क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव वाले जो ग्रुप सी के पोस्टेड थे, उनके ऊपर रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आज के न्यूज़पेपर की ये कटिंग आप सभी के सामने आ चुकी है। अगर अब भी आपके मन में कुछ भी डाउट्स बचा हो, आपको कुछ भी पूछ रहा हो, मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाले हर नोटिफिकेशन आपको समझाए जाते हैं, बताए जाते हैं। भाई और बहनों, आपका एक एक अपडेट, आपका एक एक टाइम, एक एक पल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आने वाले हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने चाहिए और आपको पता चलना चाहिए कि आजकल हरियाणा में किस प्रकार की भर्ती आ रखी है, क्या क्या सिस्टम चल रहा है, हर अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। इसी टाइप से अगर आपने हमारे यूट्यूब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा था, यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि भाई और बहनों हर इंपॉर्टेंट नोटिस, जैसे डीसी रेट जॉब हो गया, कौशल रोजगार निगम के तहत भर्ती हो गई, हरियाणा में कोई भी सीईटी का पेपर हो गया, किसी प्रकार का कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। अगली वीडियो जो भी लेकर आएंगे आपके लिए इसी टाइप से नए नए अपडेट्स के साथ में मिलते रहेंगे। तो भाई और बहनों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।